जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। 31 जनवरी को 150 साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं भूल से भी ना करें ये काम। आपको मैं बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है, दिन बुधवार रहेगा 31 जनवरी 2018। साल 2018 का पहला चंद्र ग्रहण हम सभी देखेंगे और ये चंद्र ग्रहण खग राशि यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे इंग्लिश में हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं, वो होने वाला है। भारतीय मानक समय के अनुसार इसका स्पर्श शाम को 5:18 पर हो जाएगा और मध्य शाम होगा इसका 7 बजे। इसका मोक्ष होगा 8:42 पर। पूरा 77 मिनट का ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण का स्पर्श पुष नक्षत्र में होगा जो कि श्लेषा नक्षत्र में समाप्त होगा। इसलिए जो भी पुष और श्लेषा नक्षत्र के जातक हैं या कर्क राशि वाले हैं, उन्हें ये विशेष रूप से प्रभावित करेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले यानी सुबह 8:35 पर लग जाएगा। इसलिए इसके बाद सुबह 8:35 पर सभी मंदिरों के, चाहे वो घर का मंदिर हो चाहे वो आप कहीं और का मंदिर हो, सबके पट बंद कर दीजिए और उसका पूजन ग्रहण मोक्ष के बाद यानी रात को 8:42, इसके बाद ही भगवान के पट खुलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इस दिन पूजा पाठ आदि नहीं करना है। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप क्षेत्र में चंद्र उदय के साथ ही ग्रहण शुरू हो जाने वाला है और माना जाता है, वैज्ञानिक कारणों की अगर हम बात करें तो इस दिन जो पैसिफिक ओशन है यानी हिंदी में जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, उसकी दिशा चंद्रमा की ओर हो जाएगी और ग्रहण मध्य रात्रि के दौरान होगा। इससे हमारे जो भाई बहन है मध्य और पूर्वी एशिया में, इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, वो शाम के समय आसमान में इस चंद्रमा का एक शानदार नजारा देख पाएंगे। वहीं जो हमारे अमेरिका के अलास्का के हवाइरल आइलैंड्स और कनाडा के भाई बहन हैं, वो इस ग्रहण को शुरू से अंत तक लेकर देख पाएंगे। इससे पहले चांद जब धरती के काफी करीब आया था, जिसे हमने सुपर मून कहा था, 1 जनवरी को और 2 जनवरी को इससे पहले सुपर मून हुआ था जो कि बहुत ही चमत्कारी था। क्योंकि अब ग्रहण है तो आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है इस ग्रहण के दौरान और क्या नहीं करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सूतक सुबह 8:35 पर लग जाएगा, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का मंदिर को या भगवान को नहीं छूना है। ग्रहण के समय संयम रखकर आप जप तप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करें, जो भी आपके कुल देवता है उनके मंत्रों का जप करें तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आपको भोजन करना बिल्कुल निषेध होता है। अगर कोई बूढ़े हैं, बच्चे हैं या कोई बीमार है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो इस समय भोजन आदि कर सकते हैं, वो भी हम मानते हैं, सूतक में मान सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में उन्हें भी नहीं करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो तो वो एक अलग बात है, वरना जो भी भोजन करने वाला मनुष्य होता है वो जितने अन्न के दाने खाते हैं उतने वर्षों तक उसे नर्क में निवास करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 पहर यानी कि 12 घंटे के पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर माना जाता है, इसलिए छूतक हम 9 घंटे पहले मानेंगे। यही अगर सूर्य ग्रहण होता तो हम छूतक 12 घंटे पहले मानते। तो आपको 9 घंटे पहले से ही भोजन करना आदि बंद कर देना है। अगर आप बूढ़े, बालक या रोगी हैं तो आप 4:30 घंटे पहले तक खा सकते हैं। जब भी ग्रहण वेद हो, उसके ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले जो भी खाने लायक चीजें हो, जो आपको लगता हो कि खराब हो सकती है, उन चीजों में कुश की जो घास होती है जिसकी चटाई बनती है उसको, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाके ले सकते हैं, उसे अपने घर पे ला के रख दे। जब भी ग्रहण हो तो थोड़ी थोड़ी से सभी खाने की चीजों में, और या फिर अगर आपके पास कुशा नहीं हो तो आप तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हैं। कुशा या तुलसी की पत्तियां आप सभी खानों में डाल दे, जो उसको डालने से वो पदार्थ दूषित नहीं होते हैं। पके हुए अन्न का त्याग कर देना चाहिए, जो भी आपने बनाकर खाना रखा हुआ है आप या तो उसमें पत्तियां वगैरह डाल के रखें, या तो फिर बेस्ट होता है कि ज्यादा खाना बनाए ही नहीं, ग्रहण के बाद किसी गरीब को दान दे दें। कोई जानवर, गाय आदि को वो भोजन आपको खिला देना चाहिए और फ्रेश भोजन बनाकर उस दिन खाना चाहिए। तिल या कुश मिश्री जल का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको प्यास लगती है, पीने के पानी की जरूरत पड़ती है तो पहले से पानी में थोड़ा सा तिल डाल दे या कुशा पानी में डाल के रखें और उसी पानी का सेवन आपको करना चाहिए। और ग्रहण के स्पर्श के समय आपको रात में आपको ध्यान रखना है कि जब पूर्ण हो जाए चंद्र ग्रहण
जो कि रात को 8:52 पर पूर्ण हो रही है, तो उसके बाद आप सभी को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान कैसे करना है? सचल स्नान। सचल स्नान होती है वस्त्र सहित स्नान करना। उस दिन कपड़ों को भिगोकर कपड़े सहित ही आपको नहाना चाहिए। उसके बाद अपने कपड़े आप बदल लें। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती है, ये उनको अलाउ होता है। इसके बाद ग्रहण पूरा होने पर सूर्य चंद्र जिसका ग्रहण था उसको शुद्ध बिंब यानी कि जब आपको पूरा दिखाई देने लगे आसमान में, ग्रहण क्लियर हो जाए उसके बाद उसे देख करके एक लोटा जल का आपको चंद्र को अर्घ देना है। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। जो भी आपने ग्रहण काल में वस्त्र आदि स्पर्श किए हैं, छुए हैं, उसको सबको आपको धो देना चाहिए और स्वयं भी आपको वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय आप कुछ दान पुण्य का काम करें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप गायों को घास खिला सकते हैं, पक्षियों को अन्न खिला सकते हैं, जरूरतमंदों को वस्त्र दान आदि कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ग्रहण के दिन तोड़ने की मनाही होती है, वो है फूल पत्ते आदि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, लकड़ियां नहीं तोड़नी चाहिए, तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए। आपको बाल या वस्त्र उस दिन निचोड़ने भी नहीं चाहिए और दंत मंजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, नींद में सोना, मल मूत्र का त्याग करना, पति पत्नी का संग करना, भोजन करना, ये सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण के समय आपको कोई भी शुभ काम ज्यादा ट्राई करना चाहिए, कुछ नया काम या शुभ कार्य आप ना करें क्योंकि वो आपके लिए बाद में जाकर फलदायी नहीं होता है। ग्रहण के समय सोने से मनुष्य रोगी होता है, लघु शंका करने से दरिद्र होता है, मल त्यागने से कीड़ा बनता है, स्त्री प्रसंग करने से सुअर बनता है और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अगर जो गर्भवती महिला है उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान खान पान अगर हो सके तो ना करें, लेकिन अगर आप गोद में एक नारियल लेकर के बैठते हैं तो इससे अच्छा होता है और बाद में उस नारियल का आपको विसर्जन करा देना है। अगर आप बाथरूम आदि जाते हैं तो उस ग्रहण के दौरान तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खुद से आप किसी भी लोहे की चीज, चाकू, कैंची आदि ना छुएं, बाथरूम के डोर हैंडल्स ये सब नहीं छूना है आपको बिल्कुल भी। ये ध्यान रखना है कि अगर वॉशरूम जाना है तो आप किसी को बोले कि वो डोर खोल दे और उसके बाद आप वॉशरूम जाएं। इनको ग्रहण में अगर महाफल चाहते हैं तो आपको एक दिन का उपवास करके स्नान आदि भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखें, भगवान वेद व्यास जी ने परम वचन कहे हैं, सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया कोई भी पुण्य कर्म, जप हो, ध्यान हो, दान हो आदि हो, आपको 1,00,000 गुना ज्यादा आपको फल मिलता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में आपको 1,00,000,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000,000 गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय आपको गुरु मंत्र का ध्यान रखना है, इष्ट मंत्र का ध्यान रखना है, भगवत नाम का जप करना है। ये नहीं करने से मनुष्य को मलिंदा की प्राप्ति होती है। और ग्रहण के अवसर पर ध्यान दे, अपना अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए, दूसरे का अन्न आप गलती से भी किसी प्रसाद बोलकर भी दे तो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने वाले को 12 सालों से एकत्रित किया हुआ पुण्य सारा नष्ट हो जाता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि चलो गार्डनिंग कर लेते हैं, उस दिन छुट्टी ली ग्रहण के समय आ जाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, गार्डन में चल के खुदाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भूकंप के दौरान भी नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान भी नहीं करना चाहिए, पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत चंद्र ग्रहण है भारतवर्ष में तो दिखेगा ही साथ हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया, रशिया आदि में भी जो भी है वो सभी इस खूबसूरत दृश्य को देख सकेंगे। बहुत ही मनोरम होने वाला है ये चंद्र ग्रहण क्योंकि नीला चांद पृथ्वी पर दिखाई देगा। 150 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पृथ्वी पर नीला चांद देखेंगे और साइंटिस्ट और पूरा विश्व इस दिन के इंतजार में है कि इतना खूबसूरत होने वाला है ये चांद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।